वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ दोस्तों। आज वो खुशी वाला दिन, एक्साइटमेंट वाला दिन हो गया है ख़त्म। आज है भैया का इंगेजमेंट, 10 मार्च भैया का इंगेजमेंट है। आज सुबह की शुरुआत होती है खाना बनाने से, और मैंने बना ली है इतनी सारी रोटियाँ क्योंकि ढेर सारे मेहमान आ चुके हैं और ढेर सारा घर पे है काम। इंगेजमेंट है भाई का मंगनी है, तो ढेर सारा काम है और खाना भी ढेर सारा बनाना है मुझे अकेले को। मम्मी कुछ काम करके गई हैं और मैं ढेर सारी रोटियां बना रही हूँ। सारे खाने बन के तैयार हो गए हैं और मैं बना रही हूँ रोटी, और ये हमारा खाना बन के तैयार हो गया है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मस्त, फैंटास्टिक, बिंदास, माइंड ब्लोइंग होने वाला है दोस्तों, तो फुल वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आज आपको मेरी भाभी को, मेरी होने वाली भौजाई और भाई की लगाई दिखाऊंगी आपको। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी बहुत सारा काम है, आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत के साथ, मेहनत के बाद भाभी को लाने में कितना मेहनत लग रहा है दोस्तों। किचन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अभी तैयारी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, तेजी से तैयारी चल रही है और तैयारी में हमारा ये आज के लिए माला बना के रेडी कर दिया गया है। वैसे तो हमारे यहाँ माला बहुत है, लेकिन ये सुंदर सा गजरा बनाया गया है मेरी प्यारी भाभी के लिए। ये गजरा कैसा लगा जयमाल, कमेंट करिएगा दोस्तों कैसा लगा, ये तैयारी कैसी लगी, जो इंगेजमेंट के लिए तैयारी चल रही है, इतना सारा माला गजरा बना के तैयार किया गया है, कैसा लगा? आगे की तैयारी आपको दिखाते हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, गाँव में किस तरह से इंगेजमेंट की तैयारी होती है, फंक्शन किस तरह से तैयारी, फंक्शन में क्या क्या व्यवस्था की जाती है। बहुत सारा तैयारी चल रहा है, पूरा रूम एकदम चकाचक भरा हुआ है, पूरा ऐसे ही सामान भरा हुआ है जैसे तैसे, पूरा सजाने की व्यवस्था चल रही है। यहाँ व्यवस्थापक लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये क्या चल रहा है वर्करों? खुद दूल्हे राजा भी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। ये कर क्या रहे हैं? हम कचरा क्यों लिया? आग जलाएंगे, आग जलाएंगे। ये लोग डलिया सजाते आग, आग जलाने की व्यवस्था करें, नहीं ये डलिया में ही भरा जाएगा। इधर पुष्पा बैठ के फालतू गिरी कर रहा है, सिर्फ मौज कर रहा है, काम एक नहीं। और ये सारी डलिया सज के रेडी हो गई हैं। डलिया की सजावट आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। कहीं हमारे भाई लोग खुद कलाकार है, दुकान पे ले जाना पड़ता है, बहुत अच्छे से कलाकारी के साथ मस्त एकदम मस्त सजावट करते, एकदम सजावट कैसी लगी आपको बताइएगा। और इधर मिठाई की पैकिंग चल रही है, इधर हमारे भाई लोग मिठाई की पैकिंग कर रहे हैं। ये हमारा छोटू भैया, सिर्फ नाम ही छोटू है, बहुत बड़ा। कौन सी मिठाई लग रही है? वाओ, ये तो रोज वाला मिठाई बना है, गजब। ये मिठाई आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करिएगा और जिसको खाना हो बता दीजिएगा। देखिए, जो पेपर फाड़ा जा रहा था इसलिए फाड़ा जा रहा था, इस पे केले की सजावट हो रही है यार, ये कितनी औसम है। मिस्टेक करा तुम्हारे बाप, इतना काट के ला भाई, काट के डाल। ये है डलिया पैकिंग का तरीका, देख लीजिए अच्छे से। आपको अगर सजाना हो तो यहाँ हमारे भाई लोग से संपर्क कर सकते हैं। अमेजिंग। 150 रुपया लेगा मेरा छोटा भाई। सिर्फ 150 रुपया लेगा। टेप लाओ। इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ कई भाई लोग लगे हैं, कई हाथ इसमें लगेगा तब जाके ये डलिया सजेगी। एक लोग के बस की बात नहीं कि कोई इस व्यवस्था को अकेले संभाल सके, कई लोग चाहिए दोस्तों, एक लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते। सिर्फ मेरा पुष्पा राज है छोटा भाई, ये कचरा बटोरने में लगा हुआ है। सारे फ्लावर्स यहाँ बना के रेडी कर दिए गए हैं, सिर्फ डलिया को ऊपर सजाने की देरी है। बच गए हैं, बड़ी मशक्कत के बाद सुबह से दोपहर हो गई पैकिंग करते करते, अब जाके पूरी पैकिंग फाइनल हो पाई है। अब अच्छे से पैकिंग हो गई है, आपको दिखाते हैं, देख के बताइएगा कि हमारे भाइयों ने कितना अच्छा सजावट किया है और ये मेरी मेहंदी कैसी लगी है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पैकिंग हुई है। ये यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से देखिए। और ये इधर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं,
सजावट तो भाइयों ने बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छा है। और ये सारे कपड़े हैं मेरे भाभी को देने के लिए, ये सारे वस्त्र हैं उनके घर वालों के लिए, उनके लिए सबके लिए है। तो हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था है भाई, इतना सब हम लोग कर पाए हैं। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा दोस्तों, और फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, फनी भी होगा। बस आज भैया को भाभी मिलने वाली है, तो आपको भी हम शाम तक रात की पार्टी के शाम को दिखाएंगे रिंग सेरेमनी, और भाभी को भी दिखाएंगे कब कैसा है, आप कमेंट करके बताइएगा। अभी फिलहाल चलते हैं नहाने धोने, अभी तैयार होने, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर चुके हैं, ये कान भी पहन लिया है और ये रिंग भी पहन लिया है, इधर भी मेहंदी लगी है। कैसी लग रही है? मैंने कुछ नहीं लगाई है, भाभी की लड़की लगाई है, जैसा लगा अच्छा लगा सर, मुझे भी अच्छा लगा, पीछे भी लगाया। अभी फिलहाल चलते हैं नहाने, अभी भाई लोग सब मस्ती कर रहे हैं, पैक करने में मस्ती कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम चल रहे नहाने, फिर से आगे दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों पूरी पलटन के साथ हम तैयार होके गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं मिर्ज़ापुर के लिए, रवाना हो गए हम, मेरी मम्मी और ये मेरी भाभी जी, मेरी मम्मी सासू अम्मा सब साथ में, और पीछे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, हम सब मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो गए। अभी रास्ते में ये गाड़ी चल रही है, और ये रास्ते का सफ़र बहुत ही सुनहरा सफ़र है, बहुत ही आनंदमय सुखमय लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतनी सारी ट्रैफिक है ये सब, मतलब हम लोग पहली बार मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, हम इसके पहले कभी मिर्ज़ापुर नहीं गए हैं, पहली बार मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। रामनगर किला से होते हुए हम लोग मिर्ज़ापुर पहुंच गए हैं, मिर्ज़ापुर जा ही रहे हैं, और आगे वीडियो में आज तक बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे जहाँ हमको जाना है।